स्ट्रेटेजिक सीआरएम की स्ट्रेटेजिक सीआरएम इज ए कोर कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस एम्स एट विनिंग एंड कीपिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर्स तो जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम है वो दो कोर बातें आपके सामने ले डाउन कर रहा है सबसे पहली बात है कि कोर कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस स्ट्रेटजी है क्योंकि अगेन स्ट्रेटेजिक सीआरएम की बात हो रही है तो इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सम समस्ट्रैटेजी एंड ऑफ कोर्स दैट स्ट्रैटेजी हैज टू बी बेस्ड ऑन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और ये सारा कुछ क्यों है क्योंकि यू वांट टू विन द कस्टमर एंड यू वांट टू कीप द कस्टमर और ये कौन से कस्टमर्स हैं दीज आर दी प्रॉफिटेबल कस्टमर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फिलिप कॉटलर ने अपने बुक के अंदर डिफरेंट तरह की ओरिएटेशन का जिक्र किया फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ओरिएंटेशन फॉर एग्जाम्पल सेल्स ओरिएंटेशन एंड मार्केटिंग ओरिएंटेशन जिसको कस्टमर ओरिएंटेशन भी कहा जाता है तो जो सी आर एम है स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक सी आर एम ये रिप्रेजेंट करता है आपके कस्टमर मार्केट ओरिएंटेशन को जो फोर्थ आपकी ओरिएंटेशन है और वो ओरिएंटेशन ये कहती है वट एवर यू डू इट शुड बी कस्टमर सेंट्रिक आप जो भी डेवेलप करें आपके जहन में वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द कस्टमर शुड बी वेरी क्लियर तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत अच्छे तरीके से विनिंग कस्टमर्स जो कि प्रॉफिटेबल है इदारे के लिए वो क्रिएट कर सकेंगे दूसरी टाइप ऑफ सीआरएम है ऑपरेशनल सीआरएम ऑपरेशनल सीआरएम फोकस ऑन दी ऑटोमेशन ऑफ कस्टमर फेसिंग प्रोसेसिस सच एज सेलिंग ऑटोमेशन मार्केटिंग ऑटोमेशन कस्टमर सर्विसेस तो हर तरह की ऑटोमेशन जो किसी भी लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हो उसकी प्रोसेसिंग फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑपरेशनल सीआरएम की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मार्केटिंग ऑटोमेशन का जिक्र आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब यह है वी आर टॉकिंग अबाउट कैंपेन मैनेजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इवेंट बेस्ड मार्केटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन। जब हम सेल्स ऑटोमेशन की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट मैनेजमेंट लीड मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट पाइपलाइन मैनेजमेंट कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट कंफ्रिग्रेशन एंड सो एंड सो कूटेशन एंड प्रोपोजल जनरेशन एज वेल और अगर हम सर्विस ओरिएंटेशन की बात करेंगे जो तीसरा पार्ट है कस्टमर सर्विस से रिलेटेड तो सर्विस ऑटोमेशन की बात करेंगे सो इट इज अबाउट द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कस्टमर क्यूइंग कस्टमर राउटिंग कस्टमर एंड इवन सर्विस लेवल मैनेजमेंट अगर मैं आपको सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के हवाले से जस्ट एक एग्जाम्पल शेयर करूं तो रोश इज वन ऑफ द टॉप हेल्थ केयर एंड काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक सिस्टम फार्मास्यूटिकल कंपनी वन ऑफ द टॉप कंपनीज और ये वो कंपनी है जिसका कस्टमर आर द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो के प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन क्लाइंट्स को पेशेंट्स को अगर हम इनका कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम देखें सो दैट वॉज वेरी पुअर और रिजल्टिंग इन टू द बेड कस्टमर सर्विसेज, रोश ने आइडेंटिफाई किया इज नीड ऑफ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और उन्होंने सीआरएम का सेल्स फोर्स ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करवा लिया इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्टीमेटली

जो कि एक लो कॉस्ट यूएस बेस्ड फ्लाइट सर्विस है तो दे वर वेरी फेमस के वो सर्विस ऑटोमेशन के हवाले से दे वर नोन टू बी वेरी गुड एंड दे वर यूजिंग ट्विटर अकाउंट फॉर दैट फॉर एग्जाम्पल और उन्हें किया ये कि कस्टमर जितनी भी इंक्वायरीज थी वो सारी की सारी दे वर डीलिंग थ्रू सर्विस ऑटोमेशन और ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि एक्टिव इंगेजमेंट कर सके अपने तमाम कस्टमर्स के साथ ओवर द सोशल मीडिया और उसके लिए वो सर्विस ऑटोमेशन को यूज करे थे हमारा जो तीसरी टाइप ऑफ सीआरएम है वो एनालिटिकल सीआरएम है। एनालिटिकल सीआरएम जो है इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म कस्टमर रिलेटेड डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट बेशक फॉर स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हो या बेशक फॉर टैक्टिकल पर्पजेस के लिए हो विच मीन्स एनालिटिकल टाइप ऑफ सीआरएम आर ऑफ़ kind of जो के स्ट्रांग रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए यूज हो रहा है एनालिटिकल सीआरएम को हम एनालिटिक सीआरएम भी कहते हैं ये सीआरएम अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को तो हमने इदारे के अंदर यह देखना है कि ऑल दी थ्री टाइप्स ऑफ सीआरएम बेशक स्ट्रेटेजिक लेवल का सीआरएम हो बेशक ऑपरेशनल लेवल का सीआरएम हो

आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मुझे मार्केट ऑटोमेशन के ऊपर जाना है मुझे सेल्स ऑटोमेशन के ऊपर जाना है या मुझे सर्विस ऑटोमेशन के ऊपर जाना है और एनालिटिकल सीआरएम के केस के अंदर आप यूज कर रहे हैं वो तमाम टूल्स वो तमाम एनालिसिस वो तमाम डैशबोर्ड्स जो कि इदारे को हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में एनालाइज करने के लिए कस्टमर रिलेटेड डेटे को एक्शनेबल इनसाइट्स बनाने में हमें हेल्प करेंगे तो इन तीनों तरह के सीआरएम को हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर गाहे बगाहे वन बाय वन करके किसी न किसी तरीके से कवर करते रहेंगे तो स्ट्रेटेजिक लेवल इज बेस्ड ऑन विनिंग द कस्टमर्स फोकस्ड ऑन मार्केटिंग साइड मार्केटिंग ओरिएंटेशन ऑपरेशनल इज बेस्ड ऑन द ऑटोमेशन साइड और एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशनिंग ऑफ डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन टू एनालिसिस